हेलो बच्चों, मैं पीएन श्रीवास्तव पुनः आपके पास इसी चैनल में जुड़ गया हूँ। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो न देखा हो लाइट का 10th क्लास का, वो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। और आपसे एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि कमेंट भी करें, अगर मुझसे उसमें कोई चीज़ छूट गई हो तो आप दोबारा भी पा सकते हैं। इसके लिए आप कमेंट भी करें, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ भी कमेंट भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी कमेंट करेंगे हमारे लिए सिरोधार होगा। हम छोटों से सीखें, बड़ों से सीखें, सीखना ही अपना एक नजरिया है। चलिए देखता हूँ पाठ का नाम जो हमारा था, 10th का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी परावर्तन और अपवर्तन। उसमें हमने थोड़ा सा लाइट के बारे में दिया है, क्योंकि तो जब तक आप लाइट के बारे में नहीं जानेंगे तब तक ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम लोग जान नहीं पाते। चलिए हम लोग बात करते हैं ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता, आप ध्यान दें कि सपोज दैट दे आर बॉल, सपोज दैट दे आर बॉल, वन बॉल वी थ्रो ऑफ इट, वन बॉल वी थ्रो ऑफ इट एंड इन बाउंड, यानी क्या बाउंस हो गई। तो कहने का मतलब है एक इस पे पड़े और वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो और जब रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं तो साइंटिस्टों ने इनके लॉज भी प्रोवाइड किए। साइंटिस्टों ने इनके क्या कहा है, लॉज भी प्रोवाइड किए। देखिए उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहा, बताया गया कि अगर कोई प्लेन मिरर है, अगर कोई प्लेन मिरर है, इट मींस समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता, फ्रंट पे फ्रंट साइड का साइनी होता है और बैक साइड में हम लोग क्या करते थे, ऐसा कोड कर देते जिससे जो है मीडियम हमारा ओपेक्यू मीडियम हो जाता है। ओपेक्यू मीडियम क्या होता है, ऐसी चीज जो रे आए और आर पार न हो, उसे हम लोग ओपेक्यू मीडियम बना लेते हैं। तो हम लोग उसको प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। तो प्लेन मिरर में एक रे आई तो जो रे इस पे आती है उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। दूसरी बात, ये जब आती है तो परावर्तित भी होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। तो रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। और बीच में आपने देखा होगा एक नॉर्मल लिखा हुआ है, अविलंब, यानी इसका जो भी वैरायटी ऑफ ट्रांसमिशन है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या होता है, अविलंब, जो हम लोग मिरर के परपेंडिकुलर जो होता है, मिरर के जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम लोग अविलंब के बारे में जानते हैं। तो उसने ला क्या दिया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाए आना सेम प्लेस एट कांटेक्ट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये बहुत बड़ी बात है, इस चीज को जान लेना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो इंसिडेंट रे होगा नॉर्मल होगा और रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहां होगी, एक सेम प्लेन पे होगी। देखिए ये सारा इस एरिया क्या है, सेम प्लेन पे, एक ही मीडियम में है। एक ही मीडियम का मतलब इधर हमारा अगर एयर है तो इस सारा एयर में ही इसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा, एयर में ही होगा। और ये मिलेंगे कहां, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, यानी ये जो पॉइंट इस मिरर पे इंसिडेंट करेगा, यानी मिलेगा ये तीनों, यानी लिखा, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब एक ही तल पर आपतित बिंदु पर मिलते हैं। दूसरी बात, दूसरा ला क्या दिया, दूसरा ला ये दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अब हम लोग एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खास बात है कि एंगल का मेजरमेंट यदि हम इसमें करते हैं
तो बेस लाइन हम लोग नॉर्मल को मानते हैं। बेस लाइन क्या मानते हैं? नॉर्मल को। नॉर्मल को बेस लाइन मानते हुए हम लोग मेजर करते हैं। देखिए ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल नहीं, ये एंगल नहीं, बेस लाइन हम लोग किसको मानते हैं? नॉर्मल को। नॉर्मल से कितना इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, तो इन्होंने बताया कितना रिफ्लेक्ट होगा, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बोथ बी सेम। ये खास बात इसमें रूल दिया। रूल देने के बाद अब आप देखें, अगर मिरर के सामने, मिरर के सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट एम एम रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट एम एन एम रखा हुआ है, तो उसकी इमेज देखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से अगर ओ एम की दूरी पर कोई वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, कैसी होगी, ये सारी बातों का प्रश्न इस प्लेन मिरर के बारे में एनसीईआरटी सिलेबस में बहुत थोड़ा बताया गया है। उसी थोड़े को उसके बाद सारा का सारा स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया गया है, स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया गया, गोली दर्पण के बारे में बताया गया। इसलिए जितना भी है एनसीईआरटी सिलेबस में वो मैं आपको देता हूं और उसमें बनने वाले क्वेश्चन को भी देता हूं। ये फिगर आप देख रहे होंगे कि क्या इस ऑब्जेक्ट पे एक रे आई और क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और एक नॉर्मल गई, नॉर्मल से जो रे जाएगी वो उसी लाइन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब मैंने इसे बैक साइड में थोड़ा इंक्रीज किया तो देखा कि ये मिलती हुई आपको प्रतीत होती, ये मिलती हुई प्रतीत, अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट यानी हमें एहसास हो रहा है कि अगर हम दर्पण के सामने खड़े हैं तो मेरा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो जो अपीयर होती है, अपीयर टू मीट होती है, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी हमें आभास हो रहा है कि मेरा इमेज कहां बन रहा है। तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो इमेज होगा वो आभासी होगा या वास्तविक होगा, कहने का मतलब रियल इमेज बनेगी या वर्चुअल इमेज बनेगी। तो उसके लिए बताया गया है ये हमारी क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। और कहां बनेगी, जितनी दूरी पे वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर बनेगी। ये प्रश्न कई पूछे जा चुके हैं। एक प्रश्न इसमें और ज्यादा पूछा गया है, वो ये पूछा गया है, एक ह्यूमन मिरर के फ्रंट पे आए और अपना फुल इमेज देखने के लिए उसे कितना लंबा दर्पण लेना होगा। तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो आप ये ध्यान दे लें कि जो ह्यूमन की हाइट होगी उसका हाफ, उसका हाफ यदि आप मिरर की साइज लेंगे तो वो अपना फुल इमेज देख पाएगा। थैंक यू बच्चों, अब नेक्स्ट सेशन में अगला लेक्चर जल्द ही जल्द आपको आएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।